ने अच्छी तरह से बच्चों को झुला दिया है, मुश्किल कर दिए हैं, बच्चे फंस जाते हैं और टाइम बर्बाद कर देते हैं कि उस पेपर में सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो वो हमारे पेशेंस को टेस्ट करना चाहता है। जेई का जो ये एडवांस का पेपर है, ये एक्चुअली हमारा क्या किस चीज का टेस्ट लेता है। लॉजिकल अप्रोच का जहां तक सवाल है, वो लॉजिकल अप्रोच हमें ट्रिकी प्रॉब्लम्स देकर हमसे ट्रिक चेक कर लेता है, क्योंकि जो मल्टी करेक्ट कुछ सवाल वो पूछता है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, वो कुछ सवाल थ्योरी बेस्ड जरूर होते हैं, और मैथ्स द कॉलम उसका पुराना हथियार रहा है कि उस पेपर में सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। वो सवाल आपके लिए बनाया ही नहीं गया था, वो सवाल एक्चुअली आपके लिए वो ट्रैप था। हेलो बच्चों, जेई एडवांस का पेपर आ गया है, सब लोग घबरा रहे होंगे, जरूर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज जरूर होंगी। आप तमाम टेस्ट देने के बाद तुम लोगों ने अपनी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बना ली होंगी। मैं सिर्फ दो चार बातें आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि जेई का जो ये एडवांस का पेपर है, ये एक्चुअली हमारा क्या किस चीज का टेस्ट लेता है। तो आप देखेंगे फटाफट कि जो उसके पैटर्न अब तक रहे हैं, उन पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसका जो टेस्ट है, वो हमारे सबसे पहले तो वो हमारे पेशेंस को टेस्ट करना चाहता है, और वो किस तरह के सवाल पूछता है हमारे पेशेंस को चेक करने के लिए, वो आप देख रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल हैं, जनरली जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं, बिकॉज हमें उस कॉम्प्रिहेंशन से ही अपने आंसर्स को लिंक करना पड़ता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल देकर तो वो हमारा पेशेंस लेवल चेक कर लेता है। लॉजिकल अप्रोच का जहां तक सवाल है, वो लॉजिकल अप्रोच हमें ट्रिकी प्रॉब्लम्स देकर हमसे ट्रिक चेक कर लेता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल ऐसे ज़रूर डालता है जो ट्रिकी सवाल होते हैं, जिन पर कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर लगाना पड़ता है, और कई बार तो वो ऐसे सवाल देता है जिसमें थोड़ा सा भी लॉजिक लगाकर आप उस बड़े सवाल का आंसर जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लॉजिकल अप्रोच की चेकिंग भी वो इस एग्जाम से जरूर करता है। तीसरा, एनालिटिकल अप्रोच, इसमें कोई शक नहीं है, कैलकुलेशंस बेस्ड सवाल देगा, न्यूमेरिकल्स देगा, जो हमारे एनालिटिकल अप्रोच को भी चेक करवाता है। और जो समय इंपॉर्टेंट चीज लगती है, और वो है थ्योरेटिकल अप्रोच। जनरली थ्योरी की प्रिपरेशन बच्चे मेंस के एग्जाम तक कर चुके होते हैं, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मल्टी करेक्ट कुछ सवाल वो पूछता है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, वो कुछ सवाल थ्योरी बेस्ड जरूर होते हैं, वो थ्योरेटिकल सवाल जरूर होते हैं, तो ऐसे में वो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज मल्टीपल करेक्ट आंसर से भी चेक कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि जो अब तक का जेई का पैटर्न रहा है, वो पैटर्न यही है कि वो सिंगल करेक्ट सवाल हमसे पूछता है, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल पूछता है, वो न्यूमेरिकल्स पूछता है, इंटीजर्स पूछता है। इनफैक्ट वो जो इंटीजर वाले सवाल या जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो अब पैसेज के फॉर्म में भी पूछने लगा है, यानी एक पैसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल वाले सवाल भी वो हमसे पूछ सकता है। और इसके अलावा मैथ्स द कॉलम और मल्टीपल करेक्ट तो उसका पुराना हथियार रहा ही है हमारी नॉलेज चेक करने का। तो मुझे लगता है जो जनरल पैटर्न है वो ये रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं, तो जो मुझे एक्सपेक्टेड पैटर्न समझ में आता है वो ये कि कुछ भी कर लिया जाए, क्योंकि एडवांस का पेपर है, वो हमारी कुछ चार पांच चीजों को जरूर चेक करना चाह रहा है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कोई नया सवाल आ जाए या कोई बहुत ज्यादा नया पैटर्न आ जाए, इसके चांसेस कम लगते हैं। बिकॉज अगर कोई नया पैटर्न आता भी है, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल पहले वो इंटीजर टाइप पूछ रहे थे, और अब वो न्यूमेरिकल सपोज पैसेज बेस पूछने लगे, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बच्चे के दिमाग में ये बात है कि वो न्यूमेरिकल हमसे पूछेगा, वो किसी और फॉर्म में पूछ सकता है, बट बहुत ज्यादा कुछ यूनिकनेस आपको कल के आने वाले पेपर में दिखाई दे, इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन जैसे वो हमेशा पूछता चला आ रहा है, वो इस बार भी पूछेगा। मल्टीपल करेक्ट के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट हमारे बहुत अच्छे थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जहां तक सवाल है न्यूमेरिकल, हाँ ये जरूर है, न्यूमेरिकल टाइप को किसी और फॉर्म में डाल सकता है, बट न्यूमेरिकल्स के सवाल जरूर आने वाले हैं, और मैथ्स द कॉलम उसका पुराना हथियार रहा है। मुझे लगता है इस बार भी वो मैथ्स द कॉलम को तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा, क्योंकि मैथ्स द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, आप समझिए, ये जो मैथ्स द कॉलम का पोर्शन है, आप इसको जब भी अटेम्प्ट करें, आप कई बार देखेंगे कि मैथ्स द कॉलम के सवाल तो कई बार एलिमिनेशन से भी सॉल्व होने लगे, यानी इसका ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आप एलिमिनेशन से भी मैथ्स द कॉलम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से देखें, तो मल्टी करेक्ट जहां तक सिंगल करेक्ट सवालों का सवाल आप बनता है, ये जो सिंगल करेक्ट सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल लगते हैं। हालांकि जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि ये आसान है, हमें इसी से अप्रोच करना चाहिए, बट मेरा अपना मानना यह है कि पिछले एक दो सालों के पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो सिंगल करेक्ट सवाल भी वो ट्रिकी देने लगा है, वो मुश्किल देने लगा है। तो इसलिए कोई ट्रैप में ना फंसे, इसलिए सिंगल करेक्ट सवालों से ही आपको पेपर स्टार्ट करना है, मुझे इसमें डाउट। मैं अभी अपनी तरफ से भी एक स्ट्रेटजी तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आपको पेपर किस तरह से सॉल्व या अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो जो मेरी स्ट्रैटेजी लगती है वो सबसे पहली तो यही है कि आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करें। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि सर मैंने चुपचाप मैथ्स को सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया या फिजिक्स को सेलेक्ट कर लिया या केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर मुझे जो पेपर समझ में आता है उस पेपर के अकॉर्डिंगली या जो पेपर्स मैंने अब तक दिए हैं उस तैयारी के अकॉर्डिंगली मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, इस सब्जेक्ट की तैयारी मेरी ज्यादा अच्छी है या ये सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा स्कोरिंग है, मैं उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो अब आप ये डिसाइड करेंगे कि उस पेपर में सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। तो देखो ये मेरा अपना मानना ये है कि मैच द कॉलम या फिर जो इंटीजर या कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल हैं ये वो सवाल होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि ये नए पैटर्न हैं, ये नए कुछ यूनिक पैटर्न्स हैं। जनरली हमने मेंस के एग्जाम्स में ये पैटर्न फॉलो नहीं किया और भी हमने कुछ एग्जाम्स दिए उनमें भी ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमारे मतलब के नहीं है, ये मुश्किल। जबकि एक्चुअली मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल और मैथ्स द कॉलम से रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा इजी हैं अगर आपने समझदारी से धैर्य के साथ पेपर अटेम्प्ट किया, तो मैथ्स द कॉलम और कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल इजी मिलेंगे और आप उनको जरूर सही करके आएंगे। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला ज्यादा आसान है। अरे भाई पिछले एक दो सालों में सिंगल करेक्ट वालों में उसने अच्छी तरह से बच्चों को झुला दिया है, मुश्किल कर दिए हैं, बच्चे फंस जाते हैं और टाइम बर्बाद कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका पेपर अब सही नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना यह है कि मैथ्स द कॉलम और कॉम्प्रिहेंशन ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सबसे पहले बच्चे को कवर करना चाहिए। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो पैसेजेस हैं इनके बारे में भी मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि इनको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, बट ये कंफर्म है कि कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स द कॉलम को करने के बाद आपको इंटीजर टाइप के सवालों पर आना चाहिए, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि इंटीजर वाले जो सवाल होते हैं लगता ऐसा है कि इसका आंसर एक बड़ी सी रेंज को बिलोंग करता है, आंसर कुछ भी हो सकता है, जबकि एक्चुअली वो जो इंटीजर वाले सवाल होते हैं वो आसान या न्यूमेरिकल्स जो बनाए जाते हैं वो आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसलिए मेरा फिर सजेशन यही है कि आप ये मत सोचिए कि अरे यार न्यूमेरिकल आ गया, न जाने आंसर कैसे निकलेगा, न जाने कितना टफ होगा, एक्चुअली वो लग रहा है बट उसका आंसर इजीली निकल आता। इसलिए मेरा सब लोगों के साथ सजेशन, सब लोगों को यही सजेशन है कि मैथ्स द कॉलम कॉम्प्रिहेंशन को जरूर अटेम्प्ट करें और सबसे पहले अटेम्प्ट करें, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर अचानक बहुत ज्यादा इन सवालों को करने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा और उसके बाद आप इंटीजर टाइप या न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें। सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले सवाल को आप सेकंड लास्ट अटेम्प्ट करें, बिकॉज सिंगल करेक्ट वाले सवाल ट्रैप हो सकते हैं आपके लिए, वो किसी एक पर्टिकुलर सवाल को मुश्किल बनाकर आपका बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर सकता है। इसलिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले एक दो सालों में फिजिक्स में, मैथ्स में, इवन कुछ सवाल, एक आध सवाल केमिस्ट्री में भी वो ऐसे बनाए गए हैं जो कि बच्चे को ट्रैप कर देते हैं और वो उसके पेपर को खराब कर देता है। इसलिए सिंगल करेक्ट ऑप्शंस को सेकंड लास्ट अटेम्प्ट किया जाए और मल्टी करेक्ट सवाल जो होंगे इनको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मल्टी करेक्ट ऑप्शन में जो ऑब्जर्व किया गया है मैं वो तुम्हें बताता हूं। कई सालों के पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद जो समझ में आता वो यही है कि चारों ऑप्शन सही होने के चांसेस कम, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा है। अब उसमें दिक्कत यह है कि इन सारे पार्ट्स में जो मल्टी करेक्ट वाला पार्ट है इसमें पार्शियल मार्किंग भी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर इसमें पार्शियल मार्किंग है तो बच्चा क्या कर सकता है कि वो अगर तीन ऑप्शन सही है तो उन तीन में से वो दो ऑप्शन सही करके दो नंबर या पार्शियल मार्किंग गेन कर सकता है। लेकिन इसमें इशू यह है कि अगर आपने तीसरा ऑप्शन सही किया तब तो आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने तीसरे की जगह कोई और ऑप्शन टिक कर दिया तो आपका माइनस में चला जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आप जिन ऑप्शंस को श्योर शॉट समझते हैं सही, आप सिर्फ उन्हीं को टिक करिएगा, इसमें बिल्कुल तुक्का मारने की जरूरत नहीं। यानी चारों ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़े कम हैं, एक ही ऑप्शन के सही होने के चांसेस भी कम हैं, ज्यादातर सवालों में ऑप्शन दो या तीन सही होंगे, आप दो जिनमें ज्यादा श्योर हो आप सिर्फ उन्हीं को टिक करिए, जिसमें जरा सा भी डाउट हो आप उसको बिल्कुल टिक मत करिए, क्योंकि फिर आपके वो जो दो सही भी हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि अब आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली। इसलिए मैथ्स द कॉलम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें गलत होने और साथ ही साथ पूरे के पूरे नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। उसके बाद जहां तक सवाल बनता है कि आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपने अपनी सीक्वेंसिंग बना ली, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने क्वेश्चंस को मार्क भी करके चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है किसी सवाल को देखकर कि ये आसान सवाल है ये मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी अगर उस सवाल को करने में वक्त लग रहा है या वो नहीं हो पा रहा है तो आप उस सवाल को मॉडरेट लेवल का सवाल मानकर मार्क करके छोड़ सकते हैं। आप जब दोबारा आपके पास टाइम बचे तो उस सवाल को आके दोबारा अटेम्प्ट कर
सकते हैं, क्योंकि ये आपने ही मार किया है, आपके ही मतलब का सवाल है, आपका पढ़ा हुआ सवाल है, इसलिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि जब आप दूसरे दौर में उसके पास पहुंचेंगे तो वो सवाल आप सही कर ले। कुछ ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं सीक्वेंस को फॉलो करते वक्त, जिन सवालों को आप बाउंसर कह सकते हैं। वो ऐसे सवाल होंगे जो आपको लगता है कि भाई ये उस टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने कम पढ़ा है, और सवाल को देख के लगता है कि मैं शायद अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो आप उस सवाल को बाउंसर मानकर वहीं मार कर दीजिए, ताकि दोबारा जब सेकंड राउंड पर आप उसके पास पहुंचे तो आप बिल्कुल उसको पढ़ने में वक्त बर्बाद न करें। इसलिए सवालों की सीक्वेंसिंग और उनके ऊपर मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है, यह आपके वक्त को बहुत ज्यादा बचाएगी। ठीक, और जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी समझ में आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप जितने बड़े धुरंधर क्यों ना हो, जितने बड़ी पढ़ाई आपने क्यों ना कर रखी हो, चाहे आपने कहीं से पढ़ा हो, चाहे कितना भी पढ़ा हो, टाइम को मैनेज नहीं करा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीतेगा वो जो अपनी टाइम को उस एग्जाम में मैनेज करेगा। मेरा अपना मानना यह है, ऑन एन एवरेज हर सवाल को 3-4-5 या 4-5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। अगर वो 4-5 मिनट में वो सवाल हो रहा है तो आप उसको वहीं खत्म करिए। अगर आपको लगता है कि उस सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और आप उस टाइम को दे भी रहे हैं, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप उस वो सवाल आपके लिए बनाया ही नहीं गया था, वो सवाल एक्चुअली आपके लिए वो ट्रैप था जो आपको वहीं फंसाकर बर्बाद करना चाहता। इसलिए अगर आपको लगता है कि एक सवाल जो आप अटेम्प्ट कर रहे थे कि जेई के एडवांस लेवल के सवाल थोड़े लेंदी भी हो सकते हैं, थोड़े सोचने वाले हो सकते हैं, इसलिए यह कहना बेवकूफी है कि देखते ही सॉल्व कर लेना, एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ना ऐसा नहीं होता, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई सवाल आपको लगता है कि ऑन एन एवरेज 4-5 मिनट से ज्यादा जा रहा है, तो वो सवाल अब आपके लिए ट्रैप है, अब आप उसमें बिल्कुल मत फंसिएगा। मेरा मानना यह है कि मल्टी करेक्ट सवालों में ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मल्टी करेक्ट का तुक्का सीधे सीधे निगेटिव मार्किंग लाके दे देगा, उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। ठीक, दूसरी बात आती है जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी समझ में आती है, वो यही है कि पैराग्राफ के सवालों में ऐसा कुछ पैराग्राफ्स में ऑब्जर्व किया जाता है कि आपको सीक्वेंस में ही सवाल को करना चाहिए। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं पैराग्राफ के 3 पैराग्राफ के 2 सवाल आ गए या 3 सवाल आ गए, चलो पहले दूसरा कर लेते हैं, फिर पहला कर लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हो सकता है कि पैराग्राफ का पहला सवाल ही सेकंड सवाल के आंसर में आपकी हेल्प करे। इसलिए पैराग्राफ का जो सवाल आएगा आप उसको सीक्वेंस में ही फॉलो करें। उसके बाद जो मुझे समझ में आती है एक छोटी सी बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे सबसे पहले बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बोलने से उसका इंपैक्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने सबसे आखिर में इस बात को लिखा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस को आंखें फाड़ फाड़ कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शंस इतने क्लियर नहीं होते, या कई बार इंस्ट्रक्शंस के बिना पढ़े जब आप पेपर करके आते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिला है बच्चे लास्ट में आके सिर्फ रोते हैं कि काश सर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं इस चीज को और अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकता। यानी हो सकता है कुछ नयापन आपको मार्किंग में दिखाई दे, हो सकता है आपको नया पैटर्न दिखाई दे, इसलिए हर इंस्ट्रक्शन को, एक एक इंस्ट्रक्शन को बहुत कायदे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे अपना मानना यही है कि पेपर को देखते ही सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में भले ही आपके 2-4 मिनट बर्बाद क्यों ना हो रहे हो, लेकिन आप समझ लीजिएगा वो आपसे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो चाहे जितनी मेहनत कराइए कहीं ऐसा ना हो कि इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो जिसको आप बाद में आके पछता रहे। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। और बाकी जहां तक सवाल है, हम सब की तरफ से, पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, इस बड़े से एग्जाम के लिए, इस ऐसे एग्जाम के लिए जो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा सपना है, तुम्हारे माँ बाप का सबसे बड़ा सपना है, उस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। क्योंकि ये कन्फर्म है, मेहनत तुमने बहुत दिल लगा के की है, रिजल्ट तुम सब लोगों को मिलना ही चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी है कि सीट्स लिमिटेड है, ऊपर वाला उन बच्चों के हाथ में ही रिजल्ट रखने वाला है जो बच्चे अपने हाथ में मेहनत लेके पहुंचे। तो जिसकी मेहनत जितनी बड़ी होगी उसको उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। बहरहाल तुम सबकी मेहनत तुम सबको बढ़िया फल दे, बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करे। हम सब की तरफ से इस आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।